नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन में कब्ज की समस्या के बारे में। क्या होती है कब्ज? कब्ज का जो कॉमन प्रेजेंटेशन है, जो लोग कॉन्स्टिपेशन के साथ हमारे पास आते हैं कि सर मुझे पॉटी करने के अंदर बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, पॉटी आती ही है, अटक जाती है, कई बार आती ही नहीं है, कई बार इतनी सख्त हार्ड पॉटी आती है कि वो जब निकलती है तो उसके साथ दर्द होती है। कुछ लोग इस तरह से भी कंप्लेन करते हैं कि दो दो तीन तीन दिन तक जो मल है वो पास ही नहीं हो रहा, स्टूल निकल ही नहीं रहा, उनको फीलिंग भी नहीं आ रही कि वो स्टूल आया हुआ है बॉडी के अंदर। और कुछ लोगों को ब्लॉटिंग सेंसेशन कि पेट के अंदर भारीपन सा हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, अलग तरह के क्रैम्स टाइप फीलिंग होती है, बट स्टूल नहीं आ रहा। तो इस सब स्पेक्ट्रम को हम एक तरह से कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। किसी की प्रेजेंटेशन जस्ट पेन हो सकती है, किसी को पास करने में दर्द हो सकती है, और किसी में ये सारे के सारे सिम्टम हो सकते हैं। क्या कारण है इसके कॉन्स्टिपेशन के? क्यों होती है कॉन्स्टिपेशन? बच्चों में भी हो सकती है, बड़ों में भी हो सकती है, प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर भी काफ़ी कॉमन है कॉन्स्टिपेशन। कुछ लोगों ने दवाइयाँ वगैरह मेडिसिन वगैरह के कई बार कोर्स करते हैं, उसके बाद उनको हो जाती है। कुछ लोग ऐसा भी प्रेजेंट करते हैं कि हमने ट्रैवल किया, हम कहीं जा रहे थे, जहाँ वहाँ से जब वापस आए या ज़्यादा लंबा ट्रैवल हो गया, सिटिंग बहुत हो गई, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन हो गई। और एल्डरली जो एज लोग हैं, क्योंकि उनकी मूवमेंट ना सिर्फ उनकी जनरल बॉडी मूवमेंट कम होती है, उनकी बॉडी की इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स भी एज के साथ कम होती हैं। समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि क्या बायोमैकेनिक्स क्या है इसके। इंटेस्टाइन में जो हम खाना खाते हैं वो किस रूप से कहाँ कहाँ वो अब्जॉर्ब होता है, कहाँ उसकी डाइजेशन होती है, और कहाँ से वो उसके अंदर से मल कहाँ से बनना शुरू होता है। तो एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहले ये अब इस वीडियो में समझिए कि जब खाना खाते हैं, सबसे पहले जो खाना खाते हैं वो इस तरह से नीचे जाता है। ये खाने की ईसोफेगस है, खाने की नली है जो। इसके बाद ये हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर एसिड्स पड़े हुए हैं जहाँ पे जाके ये खाना डाइजेस्ट होता है, इसको और छोटा रूप में बनता है, चर्निंग मूवमेंट्स होती है, और फिर वहाँ से ये आगे आके पतली सी है ये चोटियाँ आता है, और फिर यहाँ से आगे आके ये डाइजेस्ट होके ये खाना यहाँ पे आके बड़ी आंत के अंदर आ गया। ये सारी बड़ी आंत है, ये असेंडिंग कोलन है, ये ट्रांसवर्स कोलन है, ये डिसेंडिंग कोलन है। ये खाना अभी तक यहाँ तक सिर्फ लिक्विड फॉर्म में था, जैसे ये यहाँ आना शुरू हुआ ये छोटे छोटे इसके वो बॉल्स बनने शुरू हो गए, और ये देखिए ये मूव करते करते ये यहाँ पे आके थोड़ा सॉलिड हो गया। जैसे मूवमेंट आ रही है ये खाना आगे पुश हो रहा है, जैसे मूवमेंट आ रही है ये आगे पुश हो रहा है, तो ये स्टूल यहाँ से बना कर देखो ये इंटेस्टाइन की मूवमेंट से। अब इसके बारे में मैं बात करूँगा कि यहाँ पे जो ये मूवमेंट हमने देखी कि बिल्कुल पेरिस्टाल्सिस की मूवमेंट है, ये पेरिस्टाल्सिस खाने को जैसे आगे पहुँचाती है, इसी तरह डाइजेस्टेड फूड होने के बाद उसके अंदर जो वेस्ट रह जाता है उसको मल को आगे पहुंचाते हुए उसको सॉलिडिफाई करने में हेल्प करती है, और एंड में इवेकुएशन में हेल्प करती है। दीज आर द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। फिर यहाँ से स्टूल यहाँ पे आ रहा है, पहले तो स्टूल की मूवमेंट के कारण आया, वो भी पेरिस्टाल्सिस से मूव हो रहा है। अब देखिए ये खाली हवा की मूवमेंट आई है, ये पेरिस्टाल्सिस है, जो आंत से मूवमेंट आई है उसी ने इसको और आगे कर दिया। तो जब हम कुछ भी लेते हैं मुंह से, पानी भी पीते हैं या कुछ भी बाइट भी लेते हैं, तो ये वाली जो ब्लैक मूवमेंट है, खाली मूवमेंट जो आई है, उसको पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। फिर से इसको देखेंगे, ये है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ये जो यहाँ स्टूल पड़ा था उसको आगे कर दिया। फिर यहाँ से मूवमेंट आएगी वो उसको और आगे कर देगी, ये देखिए फिर से आई है मूवमेंट, ये इसने इसको और आगे कर दिया। तो ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है। जैसे हम बॉडी हमारी बॉडी के अंदर ये नॉर्मल मूवमेंट भी है, और जब हम कुछ खाते हैं तो उस टाइम पे भी ये आती है। तो सबसे पहले हमने इसमें देखा कि कैसे जो जो खाना आया वो पेट के अंदर आया, पेट के अंदर से वो जो भी सॉलिड खाना था बिल्कुल जूस के अंदर, स्टमक के एसिड के अंदर वो एकदम से डाइजेस्ट होकर छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। फिर वहाँ से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के जूसेस के साथ मिलके वो और पतला और महीन हो गया, बारीक हो गया, और उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए जिसको हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ने लास्ट पार्ट के अंदर उनकी अब्जॉर्प्शन हो गई। अब जब वो मेन छोटे छोटे पार्टिकल जो जरूरी थे बॉडी ने अब्जॉर्ब कर लिए, जो जरूरी नहीं थे, जो रेमनेंट है, जो जैसे जूस निकलने के बाद जो गन्ने का जो छिलका रह जाता है, या जो यूजलेस है, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, वो वहाँ से इकट्ठा होते होते आगे मूव करते हुए बॉडी को उसको वेस्ट को निकालना है।
तो जैसे वो वेस्ट जो निकलता है आगे पहुंचता है बड़ी आंत के अंदर, बड़ी आंत के अंदर वो धीरे धीरे उसके अंदर जब पानी उसका अब्जॉर्ब होता है उस मटेरियल के अंदर से, तो वो सॉलिड होना शुरू होता है। तो बड़ी आंत में जैसे हमने देखा कि यहाँ से ये सॉलिड होना शुरू हुआ, यहाँ से डाइजेस्ट होके पतला बना, वहाँ से लिक्विड फॉर्म में आया, छोटी आंत में मूव कर रहा है, छोटी आंत से ये सारा छोटी आंत से मूव होते होते यहाँ पे आके डाइजेस्ट होके यहाँ पे आके ये थोड़ा हार्ड होना शुरू हुआ। ये है बड़ी आंत। बड़ी आंत में इसका पानी खींचा जा रहा है, बॉडी इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है सारा निकाल रही है। तो ये वेस्ट है जो छोटा छोटा स्टूल की फॉर्म में स्टूल बना रहा है। अब ये स्टूल यहाँ पे आके सॉलिडिफाई हो गया, यहाँ इकट्ठा होता गया, और ये धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जाता गया वैसे वैसे ये बड़ा होता गया। इनिशियली बिल्कुल छोटे हैं, यहाँ पे आके थोड़े बड़े हुए, यहाँ आके और बड़े हुए, और यहाँ पे आके नीचे जो रेक्टम का भाग है वहाँ पे आके ये इकट्ठे होके रेडी हो गए स्टूल पास करने के लिए। जब यहाँ पे ये लास्ट पार्ट में पहुँचे हैं तो रेक्टम का पार्ट है जो स्टोरेज का है, जो स्टूल की स्टोरेज कर रहा है। तो यहाँ आके जब ये इकट्ठा होता है यहाँ से पूरा फुल होता है, जैसे जैसे ये फुल होता है तो एक सिग्नल जाता है एक तरह से, जब ये डायलेट होता है तो एक तरह से जब ये डायलेट होता है तो यहाँ से सिग्नल जाता है ब्रेन के ऊपर, ब्रेन पे यहाँ से सिग्नल गया स्पाइन के थ्रू, और यहाँ से बट उसने इसको रिलैक्स किया ये मसल को, जो इसकी ओपनिंग को जो इसने बंद कर रखा था इंटरनल स्फिंक्टर्स की, ये रिलैक्स हो गई, ये खुल गया। अब यहाँ से नीचे पास हो जाना है। अब कॉन्स्टिपेशन क्यों होगी? कॉन्स्टिपेशन होगी या तो डाइट ऐसी खा ली है जो बॉडी को हेल्प नहीं कर रही, जिसको बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, या हमारे बॉडी के बायोमैकेनिक्स में कहीं ना कहीं गड़बड़ आ गई है। ये जो मूवमेंट्स हैं ये इसमें गड़बड़ आ गई। इसकी मूवमेंट में गड़बड़ आने के क्या कारण हो सकते हैं? सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बैठे रहना, बॉडी को जो मूवमेंट चाहिए, सिग्नल्स चाहिए वो नहीं मिल रहे, या कोई बीमारी आ गई आँख के अंदर ही, कहीं कोई मूवमेंट डिसऑर्डर है, या कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं कोई पॉलिप है, किसी किसी में ट्यूमर भी हो सकता है, कहीं ग्रोथ आ गई, तो जो चीज़ें आके आपकी आंत के मूवमेंट को डिस्टर्ब कर सकती है। तो ये बायोमैकेनिक समझते हुए फर्स्ट इज मूवमेंट, जो मूवमेंट आ रही है वो कम हो तो प्रॉब्लम, मूवमेंट आ रही है प्रॉपर आ रही है पर रास्ता अटका हुआ है, कहीं ब्लॉकेड है उसमें, तो वो स्टूल नहीं जा आगे जा पाएगा तो अटक जाएगा। कई कारण हो सकते हैं, इन्फेक्शन के कारण ये ग्लैंड पियर पैचेस या ग्लैंड बड़े हो सकते हैं, कई बार मेकस डाइवर्टिकुलम होता है, कई बार कोई बैंड होता है जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, कई बार कोई पॉलिप, कोई ग्रोथ, कई तरह की चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं जो इस मूवमेंट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती हैं। पेरिस्टाल्सिस तो चल रहा है, सही भी है, मूवमेंट भी सही है, यंग एज है, सारी चीज़ें सही हैं, तो उसके कारण भी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। सेकेंड कारण क्या है? पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट है एज जब हुई तो वो मूवमेंट स्लो हो गई, जो गैंग्लियन सेल्स थे जो उसकी मूवमेंट करने में हेल्प कर रहे थे, प्रेस कर रहे थे, आपको एंटी वेव चली, जैसे कुछ खाया मुंह में गया एक तरह से पेरिस्टाल्सिस की वेव चली, जब वो चली उसके अंदर कुछ नहीं था आगे, वो मूवमेंट से जो आगे जो चीज़ पड़ी है उसको आगे पास करती है। तो इसी तरह मैं सबको बोलता हूँ कि आप अगर आप सोचते हैं कि मैंने अभी खाया और वो अगर स्टूल पास किया तो इसका मतलब जो खाया वो निकल गया, नहीं, वो निकल रहा है जो आपने एक दिन पहले खाया था, रेक्टम के पार्ट में पड़ा हुआ है। पर निकलता क्यों है? जब भी जैसे ही आप कुछ खाते हो तो एक इंटरसेंट की मूवमेंट शुरू होती है, वो मूवमेंट शुरू होते ही ये नीचे के पार्ट में जो पड़ा होता है उसको वो पास आउट कर देता है। सेम चीज़, सेम मैकेनिज्म हम अप्लाई करते हैं जब हम पेशेंट को किसी को बोलते हैं कि आप 2 गिलास पानी पी लिया करो स्टूल जाने से पहले। जैसे ही पानी पियेंगे, ज़्यादा पानी पियेंगे या जितने आपकी कैपेसिटी होता है, ज़रूरी नहीं कि आपने 2 ही पीना है या 3 ही पीना है, जितना आप पी सकते हैं 1.5-2 जितने में आपका पेट भर जाता है, जितना पेट की कैपेसिटी है उस हिसाब से पीना है। ऐसा नहीं कि 5 गिलास पी लेना है, पिया उसी से मूवमेंट स्टार्ट हुई, मूवमेंट स्टार्ट हुई वही जो मूवमेंट है वो नीचे के भाग में जो स्टूल पड़ा हुआ है उसको इवैक्यूएट करने में हेल्प करती है। तो ये बायोमैकेनिक्स है। जब हम इस बायोमैकेनिक्स को समझ जाएंगे तो हम सारी चीज़ें समझ जाएंगे। इसी में हमें समझना है कि ओबेसिटी जो मोटापा है उसमें क्यों ये स्टूल की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, उसी के अंदर मैं ये दिखाता हूँ कि जैसे लार्ज इंटेस्टाइन का ये कोलन का पार्ट है, ट्रांसवर्स कोलन का, जब मोटापा आता है तो ये कोलन कई बार ये इस पोजीशन में नहीं रहता, ये वाला जो एंगल है, ये जो आपको ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल कई बार चेंज हो जाता है, ये जो बड़ी आंत
फैट के कारण, मोमेंटम के लटकने के कारण ये यहाँ से नीचे ऐसे लटक जाती है। जब ये ऐसे जाती है तो इसका जो एंगल है एक्यूट एंगल बन जाता है, ये वाला एंगल भी एक्यूट बन जाता है, और इसकी जो नॉर्मल मूवमेंट है ये डिस्टर्ब हो जाती है। जहाँ उसको स्ट्रेट में पास होना था या 90 पे पास होना था, उसको टोटल एक वी बना के फिर ऐसे पास होना पड़ता है। तो ये एक ओबेसिटी रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन का कॉमनेस्ट कारण है। सेकेंड, एक और कॉमन कारण है ओबेसिटी रिलेटेड का, कि जब ये मसल्स जो होती हैं हमारे इंटेस्टाइन अब्डोमन की मसल्स होती हैं, उसकी मूवमेंट ओबीस लोगों के अंदर काफ़ी कम हो जाती है, उनका कंट्रोल उस पर कम हो जाता है, तो उससे वो उसको जब स्टूल पास करते हुए प्रेशर नहीं लगा पाते और उसको अंदर कंट्रैक्ट नहीं कर पाते, खींच नहीं पाते। जब वो खींचेंगे नहीं तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा नहीं और लास्ट पार्ट का स्टूल निकलेगा नहीं, ठीक है। कुछ लोग नीचे से जोर लगाते हैं स्टूल पास करने के लिए, वो एब्सोल्युटली गलत है। नीचे से जोर लगाएंगे तो हाथ का बाहर भाग निकलेगा, नीचे से कहीं जोर नहीं लगाना, एनस की जगह पे जोर नहीं लगाना। जो भी अगर कॉन्स्टिपेशन को परसेप्ट कर रहे हैं तो हमारे को ये वाले मसल्स हैं, ये मसल जब अंदर जाएंगे तो अपने आप ही जो नीचे पड़ा हुआ है वो बाहर आ जाएगा। ये एब्डोमिनल मसल्स हैं, सारे मसल्स को फील करना, ये सब एक अलग पूरा इसका एक चैप्टर बनाएंगे मैं, जिसके अंदर के कौन से मसल हमारे फंक्शन कर रहे हैं, कैसे उसको हमने कंट्रोल करना, ये एक नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेज और योगा फॉर दिस कॉन्स्टिपेशन है उसके अंदर मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। लाइफस्टाइल के अलावा कई बार आंत के रिलेटेड बीमारियां भी हो सकती हैं जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स आते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन एक इग्नोर करने वाला सिम्टम नहीं है, एक अचानक से चेंज इन बाउल हैबिट हो रहा है, किसी को वेट लॉस हो रहा है या इंटेस्टाइन के अंदर कुछ क्रैम्प्स वगैरह शुरू हो रहे हैं, तो उनकी एक डॉक्टरी जाँच भी ज़रूरी है। कई बार आंत के अंदर कोई ट्यूमर, पॉलिप या कोई भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये मूवमेंट के अंदर डिफ़िकल्टी आनी शुरू होती है। तो कब्ज को लाइटली नहीं लेना है, पहले डेफिनेटली लाइफस्टाइल में आइडेंटिफाई करना है कहीं कोई गलती है तो उसको ठीक करना है। अगर उसके बाद भी नहीं ठीक हो रहे तो हमें प्रॉपर जांच करानी है, जिसके अंदर जांच के अंदर चेकअप होएगा हाथों का और पता चलेगा कि कहीं कोई उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं।